बॉलीवुड इंडस्ट्री के महानायक अमिताभ बच्चन को देश ही नहीं दुनिया भर के लोग जानते हैं। सैकड़ों फिल्मों में अपने अभिनय का जादू दिखा चुके अमिताभ ने शोहरत की बुलंदियां देखी हैं। लेकिन एक ऐसा समय था जब ये सब उनके लिए सपना हुआ करता था। आज महंगी महंगी गाड़ियों में घूमने वाले अमिताभ कभी मर्सिडीज में चढ़ने का सपना देखा करते थे। 70 के दशक में जब अमिताभ बच्चन ने बॉलीवुड में एंट्री की, उस वक्त एक्ट्रेस मुमताज का करियर पीक पर था। यह किस्सा इन्हीं दोनों सितारों से जुड़ा हुआ है। किस्सा साल 1973 की फिल्म बंधे हाथ के दौरान का है, जिसमें अमिताभ और मुमताज एक साथ काम कर रही थी। मुमताज उस दौर की हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस में से एक थी। शूटिंग पर मुमताज अपनी मर्सिडीज में आया करती, जो उस दौर की सबसे महंगी गाड़ी हुआ करती थी। वहीं अमिताभ अपनी साधारण कार में आया करते थे। मुमताज की मर्सिडीज देख अमिताभ काफी इम्प्रेस थे। उन्होंने अपने दोस्तों से यह बात की थी कि एक समय आएगा जब वो भी मर्सिडीज पर चढ़ेंगे। जब मुमताज को ये बात मालूम हुई कि अमिताभ को उनकी गाड़ी पसंद है, तो उन्होंने गिफ्ट में अपनी मर्सिडीज उन्हें दे दी। एक दिन शूटिंग खत्म होने के बाद मुमताज अमिताभ की कार लेकर घर चली गई और अपनी गाड़ी की चाबी सेट पर अमिताभ के लिए छोड़ गई। अमिताभ खुद मुमताज के इस अंदाज से काफ़ी हैरान हुए थे। आज अमिताभ बच्चन के पास रेंज रोवर, मर्सिडीज ऐसी कई क्लास गाड़ियां हैं। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।